आज मैं आप सबको हमारे महान ग्रंथ गीता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किस लिए महाभारत का युद्ध लड़ने को कहा था। भगवान को उस समय ऐसा बोलने का निमित्त था, अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ था। क्षत्रिय धर्म होने के बावजूद वह मूर्छित हो चुका था, इसलिए मूर्छा निकालने के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सावधान किया और कहा, तेरी मूर्छा उतार, तू तेरे धर्म में आ जा, कर्म का कर्ता या अकर्ता तू मत बनना। कृष्ण व्यवस्थित जानते थे और व्यवस्थित के नियम में जितना था उतना ही कृष्ण बोले, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता और कहते हैं कि भगवान ज्ञानी होकर ऐसा क्यों बोले थे। अर्जुन को सभी रिश्तेदारों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया था। भगवान जानते थे कि थोड़ी देर बाद मोह उतर जाएगा, इसलिए कृष्ण भगवान ने नैमित्तिक रूप से बात की थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू क्षत्रिय है और तेरे पास परमाणु लड़े बिना रहेंगे ही नहीं। हमें ज्ञान में यह दिख रहा है कि तेरा व्यवस्थित ऐसा है। तो चलिए आगे देखते हैं। गीता में तो कृष्ण भगवान दो ही शब्द कहना चाहते थे, वे दो शब्द लोगों की समझ में आ सके ऐसा नहीं है, इसलिए गीता का इतना बड़ा स्वरूप दिया और उस स्वरूप को समझने के लिए लोगों ने फिर से विवेचन लिखे हैं। कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि मैं जो गीता में कहना चाहता हूँ उसका स्थूल अर्थ 1000 में से एक व्यक्ति समझ सकेगा। ऐसे 1000 स्थूल अर्थ समझने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्म अर्थ समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्म अर्थ समझने वालों में से एक व्यक्ति सूक्ष्म स्तर अर्थ को समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्मतर अर्थ को समझने वालों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्मतम अर्थ अर्थात मेरा आशय समझ सकेगा। कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते थे कि वही एक उसे समझ सकेगा। कृष्ण भगवान जो कहना चाहते थे वे दो ही शब्द में कहना चाहते थे, उसे तो जो खुद कृष्ण बन चुका हो वही समझ सकता है और कर सकता है, अन्य किसी का काम नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को किस दिन और कितने मिनट दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी, कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले इस ज्ञान को दिया गया था और संभवतः उस दिन रविवार था। कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था, इसलिए ही इस दिन को गीता जयंती मनाई जाती है। प्रथम दिन का उपदेश प्रातः 8 से 9 बजे के बीच हुआ था। तो चलिए आखिर में देखते हैं गीता की उत्पत्ति क्यों हुई। तो गीता की उत्पत्ति कौरव और पांडवों के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। अर्जुन विशेषकर पितामह भीष्म से युद्ध करते समय मोह से घिर गए थे और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देकर धर्म का पालन करने के लिए कहा था, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया था और उसने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था। क्या आपको पता है गीता का नाम गीता क्यों पड़ा? गीता का अर्थ है गीत और भगवत शब्द का अर्थ है भगवान। अक्सर भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है, यह भगवान का एक गीत है, इसीलिए गीता का नाम गीता ही पड़ा। गीता में योग शब्द को अनेक अर्थ में प्रयोग किया गया है, परंतु मुख्य रूप से गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीन योग मार्गों का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझमें अपने मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और प्रणाम करो। इस प्रकार अपने आत्मा को मेरी भक्ति में अनुरक्त करके तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सांसारिक चीजों से विरक्त कर हमारी भक्ति में मन लगाओ। भगवत गीता की ऐसी ही बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक और मेरे चैनल डायनामिक ट्यून्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।